ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की विजयादशमी के दिन दशहरे का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन श्री राम ने दशानन रावण का वध किया था। शारदीय नवरात्रि में 9 दिन महिषासुर से युद्ध करने के बाद माँ दुर्गा ने 10वें दिन यानी दशहरे पर महिषासुर का वध किया था। वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी इसी दिन लंकापति रावण का नाश कर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसे विजयादशमी कहा जाता है। इस दिन विजय का उत्सव होता है। हर साल नवरात्रि पर्व के समापन के साथ ही बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दशहरा पर्व मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल विजयादशमी पर्व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है। यही कारण है कि इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि 12 अक्टूबर प्रातः 10:58 से शुरू होगी और इसका समापन तिथि का समापन 13 अक्टूबर 2024 को प्रातः 9:08 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार दशहरे का त्योहार इस साल 12 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। हर साल दशहरा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरे के दिन कई जगहों पर शस्त्र पूजन करने का भी विधान है। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा विजय मुहूर्त में ही की जाती है। इस साल दशहरा पूजन के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 2:02 से शुरू होगा, जो दोपहर 2:48 तक रहेगा और इसकी कुल अवधि लगभग 46 तक रहेगी। विजयादशमी के दिन श्रवण नक्षत्र का होना बहुत शुभ होता है और इस साल इसका संयोग बन रहा है। श्रवण नक्षत्र 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 5:25 से आरंभ होगा और 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:27 पर इसका समापन होगा। इसके साथ ही कुंभ राशि में शनि शस राजयोग, शुक्र और बुधादित्य और बुध लक्ष्मी नारायण योग के साथ ही शुक्र मालव्य नामक राजयोग बन रहा है और राजयोग का निर्माण हो रहा है। दशहरे के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहने और गेहूं या चने से दशहरे की प्रतिमा बनाएं। गाय के गोबर से 9 गोले व 2 कटोरियां बनाकर एक कटोरी में सिक्के और दूसरी कटोरी में रोली चावल जौ व फल रखें। अब प्रतिमा को केले जौ गुड़ और मूली अर्पित करें। यदि वही खातों या शास्त्रों की पूजा कर रहे हैं तो उन पर भी ये सामग्री जरूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा करें और गरीबों को भोजन अवश्य करवाएं। रावण दहन के बाद शमी वृक्ष की पत्ती अपने परिजनों को दें, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अंत में अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। दशहरे के दिन नीलकंठ भगवान के दर्शन करना अति शुभ माना जाता है। माना जाता है कि अगर दशहरे पर आपको नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाए तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। नीलकंठ पक्षी को भगवान का प्रतिनिधि माना गया है। दशहरे पर नीलकंठ पक्षी के दर्शन होने से पैसों और संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। जो काम करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलती ही मिलती है, इसकी 100% गारंटी हम लेते हैं। दशहरा या विजयादशमी सर्व सिद्धिदायक तिथि मानी गई है, इसलिए इस दिन सभी शुभ कार्य फलकारी होते हैं और फलदायी माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दशहरे के दिन बच्चों का अक्षर लेखन, घर या दुकान का निर्माण, गृह प्रवेश, मुंडन नामकरण, अन्न प्राशन और कर्ण छेदन, यज्ञोपवीत संस्कार और भूमि पूजन आदि कार्य शुभ माने गए। विजयादशमी के दिन विवाह संस्कार को निषेध माना गया। दशहरे के दिन गाय के गोबर से 10 गोले बनाकर उसमें से जौ के बीज लगाएं, धूप और दीप जलाकर भगवान श्री राम की पूजा करें और इन गोलों को जला दें। ये 10 गोले रावण के समान अहंकारी, लोभी, क्रोधी का प्रतीक होते हैं। इन्हें जलाकर इन बुराइयों का अंत किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस त्योहार का नाम दशहरा इसलिए पड़ा क्योंकि इस दिन भगवान पुरुषोत्तम राम ने 10 सिर वाले आतताई रावण का वध किया था।
तभी से 10 सिरों वाले रावण के पुतले को हर साल दशहरे के दिन इस प्रतीक के रूप में जलाया जाता है, ताकि हम अपने अंदर से क्रोध, लालच, भ्रम, नशा, ईर्ष्या, स्वार्थ, अन्याय, अमानवीयता एवं अहंकार को नष्ट कर सके। महाभारत की कथा के अनुसार दुर्योधन ने जुए में पांडवों को हरा दिया था। शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्षों तक निर्वासित रहना पड़ा, जबकि 1 साल के लिए उन्हें अज्ञातवास में भी रहना पड़ा। अज्ञातवास के दौरान उन्हें हर किसी से छिपकर रहना था, और यदि कोई उन्हें पा लेता तो उन्हें दोबारा 12 वर्षों तक निर्वासन का दंश झेलना पड़ता। इस कारण अर्जुन ने उस 1 साल के लिए अपनी गांडीव धनुष को शमी नामक वृक्ष पर छुपा दिया था, और राजा विराट के लिए एक बृहन्नला का छद्म रूप धारण कर कार्य करने लगे। एक बार जब उस राजा के पुत्र ने अर्जुन से अपनी गाय की रक्षा के लिए मदद मांगी, तो अर्जुन ने शमी वृक्ष से अपने धनुष को वापस निकालकर दुश्मनों को हराया था। एक कथा अनुसार जब भगवान श्री राम ने लंका की चढ़ाई के लिए अपनी यात्रा का श्री गणेश किया, तो शमी वृक्ष ने उनके विजय होने की घोषणा की थी। यदि आप इस त्योहार का असल में स्वाद चखना चाहते हैं, तो मैसूर जाएं। मैसूर दशहरा पर्व बहुत ही बृहद रूप में माना जाता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध होता है। दशहरा त्योहार से लोग दिवाली उत्सव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। दशहरे की पूजा विधि और महत्व बताया जाता है कि विजयादशमी यानी दशहरे के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनना चाहिए। इसके बाद प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की पूजा करें। इस दिन गाय के गोबर से 10 गोले बनाए जाते हैं, और इन गोलों के ऊपर जौ के बीज आपको अवश्य ही रखना है, इसे शास्त्रों में बताया गया है। फिर भगवान को धूप और दीप दिखाकर पूजा करें, और इन गोलों को आपको जलाकर हमेशा भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु श्री राम, हमसे इस नवरात्रि में, इस दशहरे महापर्व में, कोई भी पूजन पाठ में, अनुष्ठान में, यज्ञ में कोई भी भूल चूक हुई हो तो आप हमें अबोध बालक समझकर क्षमा करें। हम आपके दास हैं, हम आपके सेवक हैं, हम आपके मित्र हैं, हम आपके बंधु हैं, हम आपके सखा हैं, हम आपके पुत्र हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम से प्रार्थना करें, वो आपको अबोध बालक समझकर क्षमा अवश्य करें एवं आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो मित्रों, भक्त जनों, माताओं बहनों, यदि आप दशहरे पर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, अन्न दान, वस्त्र दान, गौ दान, तिल दान अथवा नवरात्रि व्रत का उद्यापन पारणा करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि, धनराशि प्रदान करके दशहरे का महापर्व का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।